Kids, how are you all? I hope you all are staying strong at your home. So, after the vacations, now we will start doing map skills. Okay? So, बेटा आपने इन holidays में अगर आप कहीं घूमने गए हों या पहले कभी आप घूमने गए हों या फिर अभी रिसेंटली आपने रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है तो आप सबने अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक की होगी तो आप देखेंगे जो आपकी फ़ोटोग्राफ होती है वो एग्जैक्टली आप ही के जैसी दिखती है और उसमें आपकी आईज़ आपका नोज़ आपके लिप्स चिन चीक्स फोरहेड सबकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको नज़र आती है. इन अ सिमिलर वे जो मैप होता है बेटा वो किसी भी पीस ऑफ लैंड का एक एग्जैक्ट फोटोग्राफ होती है. फोटोग्राफ ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड और एनी पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके सो दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया. दिस इज हाउ आवर कंट्री लुक्स लाइक and these are the exact location of the 28 states and 8 union territories of India. Now moving further, जो आपकी आपका जो map होता है इसकी 4 sides होती हैं. ये जो 4 sides होती हैं ये 4 direction में होती हैं. जो ये ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हैं लद्दाख is the नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो सबसे ऊपर है. इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ के एग्जैक्टली अपोजिट जहाँ पे आपको श्रीलंका नज़र आ रहा है. श्रीलंका इज़ अनदर कंट्री तो जहाँ पे केरल एंड तमिलनाडु हैं इसके एग्जैक्टली अपोजिट दैट इज़ द साउथ डायरेक्शन. और जो आपकी राइट हैंड साइड है इस साइड में होती है ईस्ट और जो लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड में होती है west. So these are the 4 direction of the countries, right? These are the 4 direction. Okay. So this is the map of India. Further, अगर हम आपकी book की बात करें पेज नंबर 8 पे चैप्टर 1 में जो आपको लोकेट करने हैं स्टेट्स उनकी बात करें तो अब हम वो लोकेट करेंगे. सो सबसे पहले आपसे बोला गया है दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिल्ली. आप देखेंगे सेंटर में जैसे है ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली में न्यू दिल्ली आपको यहाँ नज़र आई है और इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है कि हाउ द दिल्ली लुक्स लाइक. तो आपने यहाँ पे दिल्ली लोकेट कर लेनी है. नेक्स्ट इज़ उत्तर प्रदेश. आपने अभी अभी दिल्ली लोकेट की. दिल्ली के नेबरिंग स्टेट ही है उत्तर प्रदेश. और आपको याद होगा कि विश्व के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दे यूज टू लिव इन लखनऊ विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. राइट सो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश को लोकेट कर लेंगे. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश आपने देखा कि जो विशु के फादर थे ही वेंट टू हैदराबाद. वो हैदराबाद गए थे फॉर द ट्रेनिंग. राइट वो उनके साथ लखनऊ नहीं गए थे वो हैदराबाद गए थे ट्रेनिंग के लिए. सो अर्लियर पहले जो आंध्र प्रदेश था वो इतना बड़ा होता था बट जो आंध्र प्रदेश है इट्स स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट स्टेट्स. ये टूट करके इसके 2 डिफरेंट स्टेट्स बन गए. वन इज़ तेलंगाना एंड अनदर इज़ आंध्र प्रदेश. तो आप आंध्र प्रदेश लोकेट कर लेंगे. यहाँ जैसे है हमारा आंध्र प्रदेश और जो प्रेजेंटली हैदराबाद है हैदराबाद इज़ इन तेलंगाना. इट इज़ समवेयर हियर बट आपकी बुक में क्योंकि आंध्र प्रदेश पूछा गया है तो हम आंध्र प्रदेश ही लोकेट करेंगे. एंड नेक्स्ट इज मणिपुर. मणिपुर इज़ इन द ईस्ट डायरेक्शन. अभी अभी आपने देखा कि हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पे मणिपुर इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट डायरेक्शन. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द मणिपुर एंड इट इज़ ऑल्सो बॉर्डर स्टेट. इसकी एक तरफ म्यांमार आ जाता है एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड में जाकर के मणिपुर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ज्वेल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज
राजस्थान. राजस्थान बेटा, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज. एरिया वाइज इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है इट इज़ राजस्थान. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ राजस्थान. आफ्टर कंप्लीटिंग द मैप दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. आप डिफरेंट कलर्स आप देखेंगे, मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, तो आप डिफरेंट कलर यूज़ करके इस तरह से अपना मैप फिल कर लेंगे एंड पेस्ट दिस मैप इन योर सोशल साइंस नोटबुक. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर.